हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन खेलकूद प्रभाग के मुख्यालय संयोजक पीके जगवीर ने प्रतिभागियों को दिया मानसिक एकाग्रता का प्रशिक्षण। हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के पहलवान बॉडी बिल्डर्स शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में ब्रह्मा कुमारी संस्थान खेलकूद प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जगवीर सिंह ने प्रशिक्षक के रूप में खिलाड़ियों को विजय के लिए शारीरिक मनोबल के साथ आध्यात्मिक मनोबल बढ़ाने के टिप्स दिए। प्रतियोगिता में भारतीय टीम की तरफ से उनको माइंड पावर ट्रेनर एवं मेडिटेशन एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसके तहत भारतीय बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने बीके जगबीर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। साथ ही टीम के अधिकारियों ने इसे एक बेहतर कदम बताया तथा आगे भी खिलाड़ियों में आध्यात्मिक पावर बढ़ाने पर जोर दिया। My name is Rajagopalan Nair, coach of Indian bodybuilding team. We came to Budapest for the World Bodybuilding Championship, which was conducted at Budapest from 13 to 17 November. On arrival to Budapest, Brahma Kumari Sansthan and Sri Jagdeep Singh, unka jo delegates hai, they came to us and they conducted a well-organized class for the upliftment and mental power and dedication of the Indian athletes. His dedication was enabled us, our players, to strengthen their mind for the peaceful and concentrated stay in the stage, as well as to perform their life best at this stage. Said that during the Asian Bodybuilding Championship, our Angur Sharma, he came second, he was a silver medalist. Now, after a month, we came to Budapest for the World Championship and he won the Mr. World Championship title. And this was mainly as focused and uplifted and supported by Sri Jagdeep sir of this Brahma Kumari Sun Sports Empowerment class that definitely enabled Indian team to concentrate for the better performance. आज बड़ी खुशी का दिन मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो फिफ्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो हंगरी बुडापेस्ट के अंदर हो रही है, यहाँ पे जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो एथलीट हैं, वो बॉडी बिल्डर जो इधर आए हैं, और उनके साथ हमारे भाई जगबीर भाई जी जो माउंट आबू से, राजस्थान से वो इधर आए हैं, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से
से जो संबंध रखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी टीम के साथ ही वो जुड़े हुए हैं। ये जुड़ने के बाद जो उनका जो मेन जो अपने माइंड पावर जिसको बोलते हैं उसके लिए आए हैं, उन्होंने इधर सेशन भी लिया था बच्चों का, जो एथलीट जो बॉडी बिल्डर थे उनका लिया था। वहाँ पे जो उनका जो रिजल्ट आया है बहुत बड़ा रिजल्ट आया है। हमारे जो स्पोर्ट्स मैन है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जो पहले डावन डोल हुए थे, जो इनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जगबीर भाई साहब ने जब ये उनका सेशन लिया, जब उनका उनको इस बारे माइंड जो के बारे में बताया कि जो कंसंट्रेशन लगाने के लिए, मैं समझता हूँ वो बड़ी बड़ी बात है और हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ा समझता हूँ एक मैसेज है कि ये जो माइंड पावर जो है उसको इंक्रीज करने में, क्योंकि जब तक पूरे हिंदुस्तान में अंदर ये इस मैन जो माइंड पावर का जो है वो संबंध नहीं होएगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी जो स्पोर्ट्स है वो कभी राय नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइंड जो कंसंट्रेट जो है उसको करना। और जो बॉडी बिल्डर, ये नहीं मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डर ऑल स्पोर्ट्स के बीच में जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जब तक उनके साथ अटैच नहीं होंगे, जो जो माइंड पावर है उसको स्पंद में नहीं जानेंगे या वो ज्ञान जो वो पूरा नहीं लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई अचीवमेंट जो है अच्छी मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई संस्था जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था जो माउंट आबू में है, वो किसी से भी कोई पैसा या कोई चीज़ नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिटेशन वो करवाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर एक जितना भी एथलीट हैं, किसी भी गेम के स्पोर्ट्स मैन हैं, उनको इसका लाभ उठाना चाहिए कि जिससे कि हमारा भारतवर्ष के अंदर स्पोर्ट का बढ़ावा हो और ये पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का नाम हो।